तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने आज पार्लियामेंट में पेश किए गए बजट पर अपने रद्दअमल का इजहार किया। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। बजट में आम लोगों के लिए और मिडिल क्लास पीपल के लिए और गरीब लोगों के लिए कुछ सोच भी है विक्रम। ये पूरा बजट सुनने के बाद हमको ये मालूम पड़ रहा ये भारतीय जनता पार्टी पूरा क्रोनी कैपिटलिस्ट के लिए काम कर रहा जैसा है। ये देश में जब बैंक्स को नेशनलाइज करके हर गरीब लोग भी बैंक के पास जा सकते हैं, लोन भी ले सकते हैं बोल के नेशनलाइज करे हिस्ट्री है हमको, वैसा नेशनलाइज करे सो बैंकों को आज प्राइवेटाइज करेंगे बोल के दो बैंक को प्राइवेटाइज करेंगे बोल के वो बोल रहा है, ये बहुत गलत है। वैसी इंश्योरेंस कंपनीज को भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने के लिए 74% एलो करेंगे बोल के इस बजट में बता रहा, ये और बुरा है, बहुत ही बुरा खतरा भी है देश के। वैसी जब स्टेट बाइफर्केशन होने के टाइम पे तेलंगाना को वोट देने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पार्लियामेंट में भी बताया था, रेलवे कोच फैक्ट्री हाजीपेट बयाराम स्टील प्लांट गिरिजन यूनिवर्सिटी जैसा बहुत बोले स्वयं।